राजपाल भागे, कन्हैया से जाकर के पूरी बात बताई। जैसे ही द्वारपालों ने जाकर भगवान से सारी बात बताई कि हे प्रभु, आज दरवाजे पर एक सुदामा नाम का ब्राह्मण खड़ा है और वो आपको बुला रहा है। जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना, एकदम से सिंहासन से नीचे कूद पड़े। रास्ते में भगवान का पीतम्बर गिर गया, वो भी नहीं उठा पाया। एकदम से अपने वाल शका को गले से लगा लिया। हे मेरे पुत्र, हे मेरे शका, ये तुम्हारी क्या दशा हो गई, क्या दशा हो गई। आज श्रोताओं, भगवान कन्हैया अपने बाल शका सुदामा जी की दीन दशा देख करके रोने लगे, पैरों को छाड़ने लगे। बीमाई गई थी, वो बीमाई देख देख करके आज भगवान रोने लगे। आज भगवान कन्हैया तीन दशा देख करके रोने लगे, कहने लगे, हे बाल शखा, अगर तुम्हारी ये दशा हो गई थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए थे। रोने लगे। देख करके बिलख बिलख करके रोने लगे।